इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के बारे में जो मसल्स कंस्ट्रक्शन में काम आता है। ठीक है, ये है हमारा ब्रेन। यहाँ से एक्शन पोटेंशियल ट्रैवल होकर के जाएगा किसके थ्रू, अपर मोटर न्यूरॉन के थ्रू। कहाँ पे जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड में। ये है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड से फिर वही एक्शन पोटेंशियल कहाँ जाएगा, हमारे मसल्स के पास में, इसके थ्रू लोअर मोटर न्यूरॉन के थ्रू। ठीक है, और ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं एक्सॉन टर्मिनल, न्यूरॉन का लास्ट पार्ट है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जहां पे ये मिला हुआ है इसको थोड़ा जूम आउट करके देखते हैं कि यहाँ पे हो क्या रहा है। ठीक है, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, साइनेप्स बनाते हैं। साइनेप्स आगे चल के तीन भागों में डिवाइड हो जाता है। देखिए इस तरीके से कुछ दिखते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ये लेबल डायग्राम है, आप इसे पॉज करके देख सकते हैं किसको क्या क्या कहते हैं, इसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है। बट हम फोकस करते हैं, अपने हाथों से बनाने की कोशिश करते हैं और समझने के टेक्निकल पार्ट समझने की कोशिश करते हैं। न्यूरॉन कुछ इस तरीके से अटैच हो जाता है। ठीक है, ये हमारा मोटर न्यूरॉन है एक्सॉन का। ठीक है, तो ये वाला जो पहला पार्ट है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्री साइनेप्टिक पार्ट। ये वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, पोस्ट साइनेप्टिक पार्ट्स। ठीक है, ये और इन दोनों के बीच की स्पेस को बोलते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट। ठीक है, यह है हमारा एक्सॉन टर्मिनल, समझ में आया। और इसके बीच में इस तरीके से भरा होता है, इसको बोलते हैं साइनेप्टिक वेसिकल्स। इसके अंदर क्या भरा होता है, एसिटिल कोलीन। ठीक है, वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, आगे चल के देखेंगे। ये वाला है जो इसको बोलते हैं मोटर एंड प्लेट, एक्चुअल में वही साइट है जहां पे ये दोनों जुड़ते हैं। इसको बोलते हैं सार्कोलेमा। ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन है मसल सेल मसल्स का। ठीक है, ये है टी ट्यूब्यूल्स। ठीक है, इसके थ्रू ही एक्शन पोटेंशियल ट्रैवल हो जाएगा, मसल्स के पास में जाएगा। ठीक है, सार्कोमियर में ये दोनों साइड में इस तरीके से होते हैं। ठीक है, अब ये क्या है, इसके चारों तरफ पॉजिटिव चार्जेस होते हैं। ठीक है, इसमें आप टी ट्यूब्यूल्स में देखिए, साइड में दोनों साइड में क्या है, नेगेटिव चार्ज, बीच में पॉजिटिव चार्ज है, आगे चल के ये चेंज होगा जिसकी वजह से डिपोलराइजेशन आएगा। ठीक है, और ये नीचे जो है स्ट्रक्चर वो क्या है, मायोसिन और एक्टिन। ठीक है, एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स है। अब क्या होगा, एक्शन पोटेंशियल्स जैसे हमारे ब्रेन से अंदर की तरफ में ट्रैवल होएगा, तो यहाँ पे एक चैनल है, उस चैनल का नाम है वोल्टेज कैल्शियम चैनल। ठीक है, अब एक्शन पोटेंशियल आया तो ये चैनल क्या हो जाएगा, सबसे पहले ओपन हो जाएगा, जिससे क्या होगा, बाहर से जो कैल्शियम आयन है अंदर की तरफ में आएंगे और साइनेप्टिक वेसिकल्स टूट के ये साइनेप्टिक जो क्लेफ्ट है इसमें आएंगे। ठीक है, इसको जब ये टूटते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं एक्जोसाइटोसिस। ठीक है, अब क्या होगा, एसेटाकोलिन तो आ गया किसके अंदर, साइनेप्टिक लेफ्ट में। अब ये वाला स्ट्रक्चर क्या है, एसेटाकोलिन रिसेप्टर, इस पे आगे ये जुड़ जाएंगे। इनके जुड़ने से जो सेल्स हैं किसके, मसल्स के, वो क्या हो जाएंगे, डीपोलराइज हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि बाहर से अंदर की तरफ सोडियम आयन आया और अंदर से बाहर की तरफ पोटेशियम आ गया, लेकिन बराबर नंबर में नहीं गया, जिसकी वजह से डीपोलराइजेशन हो गया। ठीक है, ये जो अभी मैं बना रहा हूँ एक्टिन और मायोसिन है एक दूसरे के ऊपर, और साइड साइड में जो दो लाइनें हैं वो क्या है, टी ट्यूबुल को शो करते हैं। अब क्या होगा, डीपोलराइजेशन तो हो गया, अब जो इम्पल्स है या एक्शन पोटेंशियल है वो वहां से ट्रेवल हो गए टी ट्यूबुल की तरफ में आएगी, और देखिए किस तरीके से क्या हो जाएगा, ये चेंज हो रहा है, बाहर की तरफ पॉजिटिव और अंदर की तरफ नेगेटिव। जैसे ये यहां तक आएगा एक्शन पोटेंशियल, यहां से क्या रिलीज हो जाएगा, कैल्शियम आयन, और कैल्शियम आयन क्या होगा, वहां से आकर के ये है ट्रोपोनिन, इस पे अटैच हो जाएगा। जैसे ही इस पे अटैच होएगा तो जो ट्रोपोमायोसिन स्ट्रक्चर है ये बाइंडिंग साइट रहती है ना, ढका होता है। ठीक है, एक्टिन बाइंडिंग साइट को ढका होता है, वो ओपन हो जाएगा और जो मायोसिन है उससे अटैच हो जाएगा और कुछ इस तरीके से फिगर्स बनेंगे। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, टेक्निकल पार्ट।